Good afternoon. Thank you, members of the media, for gracing us with the presence for the Rogers Servo Premier Jaipur. We are Jaipur. Jaipur being a major leisure destination in the country, we are happy to be opening at such an exciting time for the travel and hospitality industry. The premium category hotel focuses on offering excellent accommodations and exceptional services. This hotel has 80 well-appointed rooms. Categorization of the rooms are as far as the food and beverage is concerned. We have a multi-cuisine restaurant which is called Carazo, which has a capacity of cover utilization of 100 covers. We have will be introducing a special which will allow you to relish some delicacies. We have a park called Nethis. It's a 45-seater park. 2 packed area of 3,000 square feet, including the pre-function area. We have a good lobby. We'll be opening soon a rooftop restaurant, which will be the USP of this hotel, which will have in the city amongst the tourists and locals here. Now, I would like to request Mr. Ajay Vakrana, Managing Director, Sarovar Hotel, share his thoughts on Sarovar. हमने भी एक हीरा तैयार करा, बड़े प्यार से तराशा है और बड़ा छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा होटल शहर के बिल्कुल बीच में दिया है। इसमें एक एडिशन हुई है, हीरे हीरे की सेटिंग थोड़ी बढ़ गई है, तो अब ये सरोवर प्रीमियर के नाम से आगे चले। लेकिन ये होटल जयपुर वालों को सेकंड कैटेगरी में इसके बाद क्या है सर, अभी जो बार रेट है 5500 प्लस है। और कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये तो चेंज कर दिया सारा इंटीरियर। बात हुई है शुरुआत में क्या खास बात रहेगी सरोवर प्रीमियर में, जो ग्राहकों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी उसके बारे में कुछ बताइए सामने। सर आपका आपका जवारियों का और जवारतों का शहर है। हमारी कोशिश ये रही कि ये एक सुंदर अति सुंदर रतन रहे जयपुर के लिए। आपने आपके सवाल ये होते हैं कि आप इसको किस प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे, क्या रेट रहेगा, इंट्रोडक्टरी रेट रहेगा नहीं रहेगा। इंट्रोडक्टरी रेट रहेगा हमारा कुछ दिन के लिए लोगों को लाने के लिए, लेकिन हम रेट के झगड़े में, रेट के वॉर में पड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 80-81 कमरे हैं। बहुत बहुत सुंदर होटल है, शहर के बिल्कुल बीच में है, हर तरफ से सुविधा है इसमें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी गेस्ट आए यहाँ पर, जो भी मेहमान हमारे आएँ, उनको एक बहुत बहुत पर्सनलाइज, बहुत उम्दा, बहुत स्पेशल, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस मिले, ताकि उनको यहाँ पे एक और घर मिले। सर आपने बैंकेट हॉल की बात की, बैंकेट हॉल की कैपेसिटी क्या है? हमारे मीडियम साइज़ बैंकेट हॉल्स हैं, 2 हॉल्स हैं तो टोटल, और साथ में अटैच लॉन है बाहर हमारा, तो कुल मिला के हम ये 200-100 लोग का फंक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी जैसे इनोवेटरी कोई फंक्शन, कोई प्राइसेस वगैरह को लेकर के आप कुछ नया कोई डिस्काउंट वगैरह आप ऑफर करेंगे? सर ऐसा है कि आजकल प्राइसेस रोज़ बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा रफली 3,500 और 4,500 रुपये के बीच में अगले 2-3 महीने तक रेट चलेगा। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ फैसिलिटीज़ अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी किस तरह की फैसिलिटीज़ रहेगी? सर वी हैव द फंक्शंस हैं हमारे पास, उसके अलावा एक रेस्टोरेंट है ऑल डे डाइनर, जिसमें हम मेन्यू वो ला रहे हैं जो लोकल डिशेस भी रिफ्लेक्ट करें, लोकल टेस्ट भी रिफ्लेक्ट करें, और इंटरनेशनल कस्टमर को भी कैटर करें, वेस्टर्न कस्टमर को भी, एशियन कस्टमर को भी। मीटिंग रूम्स हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा एफर्ट ये है कि हम एक होटल इस तरह चलाएं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो, जिसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हो, और जिसमें, और हम अपने हर एक स्टाफ को, हर एक स्टाफ मेंबर को उसी हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि वो। सर ये जो पैलेस था, इसको जयपुर पैलेस के नाम से एक पहचान थी, तो जयपुर पैलेस की पहचान को आप किस तरह से बदलेंगे उसके बारे में? नहीं, हम बदलेंगे क्यों, उस पहचान को आगे बढ़ाएंगे, वो पहचान बनी रहेगी, उसके ऊपर सरोवर ऐड हो रहा है। मैंने बोला ना हीरे का काम है, तो हीरे को अच्छी तरह सेट कर रहे हैं।
होटल तो सर शहर में बहुत सारे हैं, क्या डिफरेंट रहेगा और क्या कुछ खास रहेगा तो गेस्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, एक तो होटल पूरी तरह से रेनोवेटेड है, सुंदर कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स हैं, हमारा आउटडोर फंक्शन एरिया है साथ के अंदर। गेस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा सर्विस स्टाइल, सर्विस स्टैंडर्ड, सर्विस स्टाफ। आपका परिचय? मैं अजय बकाया हूँ सर, सरोवर होटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू। शुक्रिया।